नमस्कार दोस्त दोस्तों एविपति कर चूर्ण के लिए हमें जिन आवश्यकता पड़ती है जिन औषधियों की वो हैं सौंठ, छोटी पीपल, काली मिर्च, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, वीर नमक, वाई विडंग, तेज पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, निशोथ और मिश्री। इस तरह से दोस्तों हमें कुल मिला के इन 14 औषधियों की आवश्यकता पड़ती है। पहले इन 14 औषधियों को पंसारी से यहाँ ले आए और उसके बाद में इनको सभी को कोट पीस के बारीक चूर्ण बना लें और उनको जिस मात्रा में बताया गया उस मात्रा में मिला दें। आपका एविपत्ति कर चूर्ण तैयार हो जाएगा और ये बनाना बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। इसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। दोस्तों एविपत्ति कर बनाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले सारी औषधियों को कूट पीस लें, उससे बाद निश्चित मात्रा में सौंठ, पीपल, काली मिर्च, हरड़, बहेड़ा, आंवला, वाइविडंग, वीर नमक, नागरमोथा, इलायची, तेजपत्ता, लौंग, इनको 10-10 ग्राम लें। इसके अलावा जो निशोथ है वो हमें लेनी है 440 ग्राम और जो हमने लिए मिश्री वो लिए 660 ग्राम। तो इस तरह से सारी औषधियों को लेकर इनको कूट पीस लें और इनको जितनी मात्रा में बताया उतनी मात्रा में तोल के अलग कर लें। इस तरह से इनको लेने के बाद हमें इनको आपस में मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए आप इन सारी औषधियों को एक जगह कर लें। इसके लिए मिश्री के अंदर हम सारी औषधियाँ डाल रहे हैं। तो देखिए इन सारी औषधियों को हम मिश्री के अंदर मिला देते हैं। इस तरह से सारी औषधियों मिश्री में मिला के चम्मच की सहायता से पहले इनको थोड़ा एक मिलाएं, उसके बाद चलनी की सहायता से इनको एक जान करना पड़ेगा। इसके लिए हमें देखिए चलनी लेनी पड़ेगी। चलनी के अंदर इसको डाल के 2-3 बार छान दें। इस तरह से छानने से सारे द्रव्य आपस में मिल जाएंगे, एक जान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा एविपत्ति का चूर्ण तैयार हो गया। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आपने देखा। तो दोस्तों ये देखिए इसको मिलाने के बाद दो बार फिर आप इसको एयर टाइट ढक्कन वाले जार में डाल दें। प्लास्टिक का न लेके आप कांच का मर्तबान लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फिर अगर नहीं मिले तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। तो देखिए ये एयर टाइट ढक्कन वाले जार में हमने डाल दिया और ये हमारा एविपत्ति कर पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसको आप अब उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया एविपत्ति कर चूर्ण तैयार। अब हम बताते हैं आपको, तो चलिए दोस्तों एविपत्ति कर चूर्ण के फायदे आपको बताते हैं। दोस्तों एविपत्ति कर चूर्ण मुख्य रूप से अम्लपित्त या एसिडिटी की दवा है। इसके अलावा आपके पेट में जलन होना अम्लपित्त का मुख्य लक्षण है। तो अम्लपित्त में या आपके पेट संबंधित जैसे रोग हो जिसमें आपके पेट में लीवर में सूजन रहता है या लीवर में स्रावों का कमी रहती है या आपके कब्ज की शिकायत रहती है या कब्ज की वजह से आपको गैस रहती है, गैस की वजह से आपके सर में दर्द होना या फिर आपके तनाव की शिकायत रहती है, ऐसे रोगों में ये बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा पेट संबंधित जितने भी रोग हों उनमें ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, जिसमें पेट में दर्द होना या पेट में कोई भी तकलीफ हो। तो दोस्तों इन रोगों में आप एविपत्तिकर चूर्ण ले सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको एविपत्तिकर चूर्ण सेवन का तरीका। दोस्तों एविपत्तिकर चूर्ण को अगर आपके पेट में दर्द हो तो सुबह खाली पेट खाने से पहले 1 घंटा लें और अगर आपकी एसिडिटी की शिकायत हो या और भी कोई तकलीफ हो तो खाने के बाद शहद में लेके आप ले सकते हैं। यही लेने से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी दोस्तों और आपकी खुशहाल जिंदगी के लिए हम कामना करते हैं। एक ही आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।